मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, कोरोना का कहर जारी है, दुनिया त्रस्त है, दुनिया के लोगों के सामने एक विकराल समस्या है। समस्त गतिविधि, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, बंद है। लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए। लॉकडाउन की स्थिति है, लोग अपने घरों में बंद हैं। बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे हर किस्म के, हर वर्ग के जो कोई भी लोग हो, लोग हैं, उनके मन में बस एक ही बात, आशंका है कि कोरोना से निजात कैसे पाई जाए। खैर, यह प्राकृतिक विपदा है। समय बीतने के क्रम में ऐसी स्थितियां प्रकृति के द्वारा आते जाते रहती है। हमें घबराना नहीं चाहिए, परिस्थिति से लड़ना चाहिए। इससे निजात कैसे मिलेगी, यह हम सब मिल करके इनको समझेंगे, इनके उपाय निकालेंगे और कोरोना को हम हराएंगे। सवाल यहाँ अब अपने पढ़ाई की गतिविधि से है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी पटना में रह रहे थे, उन्हें उनके बेहतरी के लिए सरकार के द्वारा पटना छोड़ने के लिए उन्हें आदेश जारी कर दिया गया, लॉज खाली करवा दिया गया, संस्थान बंद कर दिए गए। हम जैसे लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते थे या पढ़ाते थे, ऑफलाइन में आपसे बातचीत होती थी, क्लासरूम की गतिविधि चलती थी, मिलजुल करके भविष्य के बारे में सोचते थे, तैयारी कैसे की जाए, भविष्य उज्जवल कैसे हो, जीवन का दीपक कैसे जले, इन सारे तमाम चीज़ों की बातचीत गुरु शिष्य मिलकर के करते थे। लेकिन इस कोरोना ने हम सबों के परस्पर संबंध को बिगाड़ दिया है। खैर, वर्तमान समय में हम सब एक प्रौद्योगिकी को लेकर के या इस प्रकार के जो तंत्र डेवलप किया गया है, डिजिटल के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ई एजुकेशन के माध्यम से, हम एक दूसरे से एक के प्रकार रूबरू हो रहे हैं। वर्तमान समय में अब हमें यह देखना है कि घर बैठे ही कैसे मैं अपने विद्यार्थियों का सेवा कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कहा करते हैं कि सर, आप कुछ करो, मोबाइल पर फोन आते रहता है। वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, इस विषम परिस्थिति में मेरी तैयारी कैसे होगी। बीपीएससी का मेन सामने है, 66वीं की तैयारी कैसे होगी, अन्य जीएस से संबंधित अनेक बातों की चर्चा होते रहती है। तो बहुत दिन तक मैं यूं ही बैठे रहा, निराशा की घड़ी में सोचते रहा, क्या करूं ना करूं, किंग कर्तव्य की स्थिति बनी रही, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बनी रही। लेकिन मैंने यह निर्णय लिया कि घर बैठे ही जहां तक हो सकेगा मैं अपने नौजवान साथियों की सेवा करूंगा और उन्हें बेहतर बेहतर मटेरियल, परीक्षोपयोगी सामग्री एवं अन्य सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। जितने सारे मेरे हजारों विद्यार्थी पटना में रहते थे या चाहे अन्य राज्य में हो, बिहार हो, झारखंड हो या अन्य राज्य हो, वे जो लोग मुझे जानते हैं,
जिनसे मेरा संपर्क है उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि मैं आज से यह शुरू कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई जारी रहे और जहाँ कहीं भी हैं आप पढ़ते रहें, हम आपको बेहतर पढ़ाई देते रहेंगे और इसके लिए मैंने एक मुहूर्त निकाला। खड़मास समाप्त हो चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार खड़मास में कोई कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन अब वो समाप्ति के बाद ही मैं शुभ कर्म समाप्त किया हूँ। आपकी बेहतरी के लिए मैं पढ़ाई अब ई एजुकेशन के द्वारा, यानी मोटे तौर पर कह दिया जाए कि इस डिजिटल के माध्यम से मैं पढ़ाने का कार्य शुरू कर रहा हूँ। हालांकि इस प्रकार की गतिविधि के लिए मैं नया हूँ, पहली बार मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं बेहतर तरीके से आपके लिए कार्य करूँ। तो आज सबसे पहला चीज मेरा जारी होता है हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी रेलवे हो, एनडीए हो, या कोई भी हो, छोटे एग्जामिनेशन पर की भी कई तैयारी हम कर सकते हैं, कि जैसे हम कर सकते हैं एलआईसी हो, जीएससी हो, टीचर हो, दारोगा हो, या यदि हम अन्य एग्जामिनेशन की बात करते हैं एसटेट हो, फिर हम लोग कह सकते हैं कि नेट हो, या जिस चीज की भी हो, जीएस के बिना इनकी तैयारी संभव नहीं है। जीएस के बिना आप किसी प्रकार के एग्जामिनेशन को आप सफल नहीं हो सकते। तो सवाल यहाँ पर यह है कि यदि हायर एजुकेशन के लिए हम देखें, यूपीएससी के लिए हम देखें, वहाँ भी जीएस का अहम भूमिका है, वहाँ पीटी में भी है और मेन में भी आपका जीएस की अहम भूमिका होती है, बीपीएससी में भी देखें तो पीटी में भी है, मेन में भी है, और सबसे बड़ी बात है जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन है जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, यूडीसी हुआ, या एलआईसी हुआ, जीएससी हुआ, एयरफोर्स हुआ, एनडीए हुआ, या जो कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में जीएस की अहम भूमिका है। इसलिए जीएस के बिना किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, संभव नहीं। इसलिए जीएस में, जीएस का जो लोग समझते हैं कि जीएस का माने क्या हो, सामान्य रूप से जीएस को लोग कहते हैं सामान्य अध्ययन, लेकिन मेरे अनुसार से यह सामान्य अध्ययन नहीं है। यह क्या है, ये बहुत विशद अध्ययन की इसमें बात की जाती है। इसमें 12 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो सब्जेक्ट माना जाता है, वो सबसे पहला सब्जेक्ट माना जाता है, वो इतिहास माना जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं हिस्ट्री कहते हैं, जिनको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। सेकंड बात माना जाता है इंडियन पॉलिटी माना जाता है, इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी। थर्ड में इसको देखते हैं इंडियन इकोनॉमी आता है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आता है। फोर्थ में ज्योग्राफी आता है, जियोग्राफी, ये फोर्थ में ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का जो सिद्धांत हम लोग देखते हैं, जो भूगोल का सिद्धांत, या हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी। पुनः हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। पुनः फिर हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। पुनः देखते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं मैप। फिफ्थ में साइंस सब्जेक्ट होता है, साइंस को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, ये है बायो। बायो को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ये है बॉटनी और ये है जूलॉजी। सिक्स्थ में हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक, ये देखते हैं साइंस
साइंस एंड ये देखते हैं टेक, सेवन में हम लोग देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ये एनिमल हस्बेंड्री ये एनिमल हस्बेंड्री, और एट में हम लोग देखते हैं, एट में हम लोग आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। नाइन में जो बहुत महत्वपूर्ण है दैट इज करंट अफेयर्स, ये दैट इज करंट अफेयर्स, ये दैट इज करंट ये अफेयर्स। और इस प्रकार से यदि संक्षिप्त रूप में हम ब्रीफली कहना चाहेंगे कि जो ये नाइन सब्जेक्ट है, यही नाइन सब्जेक्ट मिला करके हमारा क्या बनता है, हमारा जीएस बनता है। इसको यदि डिफाइन किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं ए कम्बिनेशन ऑफ नाइन सब्जेक्ट्स दैट इज कॉल्ड जीएस। तो आज हम लोग इसी जीएस के संदर्भ में ये बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे कि जीएस के बिना किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना संभव नहीं है। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, आइदर हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन, जीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। विदाउट जीएस यू कांट सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कांट होप दैट माय रिजल्ट विल कम, इट इज नॉट पॉसिबल। That is why I am starting main theory, main principles of GS. First thing is that in GS, first thing is that that is history. That is history. ये आपका syllabus है, ये हम लोग syllabus को देखते हैं, आप भी इसको देख लीजिए। Yes, right. चला चला। तो आज हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले आज सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को शुरू करते हैं। हिस्ट्री आज सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं। और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बिना इतिहास के जानकारी का आप जीएस को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। क्यों? जीएस में इतिहास की बड़ी अहम भूमिका है। चाहे आप परंपरागत क्वेश्चन को देखिए, टेक्निकल क्वेश्चन को देखिए, या इससे आर्ट एंड कल्चर की बात करिए, या राजनीति से देखिए, सामाजिक स्थिति से देखिए, आर्थिक स्थिति से देखिए, जो कुछ भी आप देखिए वो समस्त सामग्री जीएस में अवेलेबल, टोटल के टोटल सामग्री आपका जीएस में, आपका सॉरी आपका इतिहास में ये शामिल है। इसलिए सबसे पहला बात आपका आपको मानना होगा, मेरे व्यू से, इन माय ओपिनियन, योर हिस्ट्री मस्ट बी बेटर, आफ्टर दैट योर जीएस विल बी कंप्लीट। History is major portion of GS. Already I have said such type of matter. Maximum focus should be in eye of competitive examination on history subject. Just I am saying you what are the syllabus of history. History divided into three parts. Number one is that ancient history. Second is medieval history, and third is that modern history. Now I will start what are the syllabus of ancient history. तो सबसे पहले आप ancient history के syllabus को लिख लीजिए। मेरा कहना ये है कि जब तक आप syllabus नहीं जानिएगा तब तक आप कैसे अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सबसे बड़ी विषय वस्तु होती है सिलेबस को जानना। सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस को यदि आप समझ लेते हैं, विषय वस्तु को समझ लेते हैं, तो मैं मानूं कि आपका
आधा कार्य सफल हो जाता है। इसलिए जो जागरूक विद्यार्थी है, जो रियल में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो देखिए अनायास यह भी पूछते हैं कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है। ये तो कॉमन बात है, सिंपल सी बात है, कोई भी विद्यार्थी के मन में सिंपल सी बात होती है। मान लीजिए कोई न्यू कमर है, वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आया है, अब वो कहता है कि भाई जब वो अपने मित्र से पूछते हैं कि भाई इसमें पढ़ना क्या है, तो उनका मित्र कहता है अरे जो सिलेबस है उसी सिलेबस को पढ़ना है। तो भाई ये सिलेबस बतलाएंगे कौन? Who will say what are the syllabus of ancient history? ये कौन बतलाएंगे? ये क्वेश्चन उठता है, इसको बतलाने वाले वो होते हैं जो इनके एक्सपर्ट होते हैं, जो लंबे समय से पठन पाठन के कार्य में अपना जीवन क्या कर दिया है, समर्पित किया है, अपना इस क्षेत्र में अपनी जिंदगी को उन्होंने व्यतीत किया है। वही लोग बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में भी कौन चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, कौन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यदि ये ऑब्जेक्टिव है इससे कितने प्रकार से मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के अन्यान्य प्रश्न एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, जिनको की विगत लंबे काल का, जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़ी तपस्या किया है, अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपने बच्चों के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने परीक्षार्थियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी में रुचि रखते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं सरकारी सेवा में जाऊं, मेरी सेवा उन्नत कोटि की हो, उच्च कोटि का मैं पद प्राप्त करूं, और जब इस प्रकार की इच्छा होती है तो उन्हें बेहतर सामग्री, बेहतर मार्ग निर्देशक, मार्ग निर्देशन देने वाला व्यक्ति होना ही चाहिए। बस मैं बी नारायण इसी बात पर फोकस डालता हूं कि मैं विगत 22 वर्ष से इस क्षेत्र में, और मैं मेरा संपूर्ण जिंदगी, मेरा संपूर्ण जीवन, होल लाइफ पास्ट एमंग द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। मेरे हजारों साल, मेरे हजारों विद्यार्थियों ने यह कार्य करके दिखाया है, भारत सरकार के या स्टेट लेवल के या जो कोई भी एग्जामिनेशन हो, अपने हैसियत के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार उन्होंने अपना स्थान पाया है, और आज भी वे मुझे बराबर कहा करते हैं कि सर आप भी कुछ करिए। अब यह केवल बैठ के पश्चाताप करने की समय नहीं है, इसी बात से मैं प्रेरित हुआ हूँ, उनका लाड़ प्यार दुलार मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनके बहुत रिक्वेस्ट पर मैं आज पहली बार आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप सिलेबस को ध्यान से लिखिए, हेडिंग आप दीजिए प्राचीन भारत का इतिहास, आप दीजिए प्राचीन भारत का, ये प्राचीन भारत का इतिहास, ये हेडिंग है प्राचीन भारत का इतिहास, ये इसको आप हेडिंग दे दीजिए। तो पहला सिलेबस देखिए, हम इतिहास में शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला बात आप ये लिखिए, पहला सिलेबस जो आपका होगा तो आप लिखिए इतिहास क्या है, आप लिखिए इतिहास, इतिहास क्या है, इतिहास क्या, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। सेकेंड बात आप लिखिए इतिहास की परिभाषा लिख दीजिए, इतिहास की परिभाषा, ये है इतिहास की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा। थर्ड पॉइंट आप लिखिए इतिहास का विभाजन, ये इतिहास, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। फोर्थ में आप लिखिए मानव,
मानव का विकास, मानव का विकास। फिफ्थ में आप लिखिए मानव का, ये आप लिख दिए, फोर में मानव का विकास, फिफ्थ में लिखिए मानव प्रजाति, यह है मानव प्रजाति। सिक्स में लिखिए पूरा पाषाण काल, सॉरी पाषाण काल, आप लिखिए पाषाण, ये लिखिए पाषाण काल। सेवन में लिखिए सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट थिंग इज दैट वैदिक सिविलाइजेशन। नंबर इज एट, छठी सदी ईस्वी पूर्व, सिक्स सेंचुरी बीसी। इसके अंतर्गत आप लिखिए नंबर वन इज दैट महाजन पद। सेकंड पॉइंट आप लिखिए इसके अंतर्गत, प्लीज राइट डाउन, दैट इज जैन धर्म। थर्ड लिखिए इसमें बौद्ध धर्म। पुनः नेक्स्ट अगेन इज दैट मौर्य काल, मौर्य पीरियड। यह है मौर्य पीरियड। नेक्स्ट इज दैट मौर्योत्तर काल। पोस्ट मौर्या, इसे ही कहा जाता है पोस्ट मौर्या कहा जाता है, ये मौर्योत्तर काल है, ये पोस्ट मौर्या कहा जाता है, मौर्योत्तर काल। गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट गुप्तोत्तर काल। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं राजपूत काल लिख सकते हैं। सेकंड आप नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं हर्षवर्धन वंश। पुनः आप लिख सकते हैं पाल वंश। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सेन वंश। पुनः फिर आप लिख सकते हैं अरबों का आक्रमण। अब हम लोग चलते हैं अरबों का आक्रमण, आप इसको एक बार देख लीजिए, अभी तो हम व्यवस्थित नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कुछ लाभ मिल जाए, व्यवस्थित होने पर मैं बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन काइंडली इस संसाधन के अभाव में
आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज दैट अब हम लोग लिखते हैं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। इसको हम लोग कहते हैं साउथ इंडिया, साउथ, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो प्रश्न हम लोग देखते हैं वो तो सीमित है, लेकिन फिर भी जानना आपके लिए जरूरी है। क्यों भाई, ये बिना सिलेबस का आप कैसे समझेंगे? और परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें न जाने कब क्या कहा जाए, लेकिन एक प्रयास जारी रहता है कि अमुक अमुक चैप्टर से, अमुक अमुक जगह से यदि पढ़ लिया जाए तो लगभग परीक्षा में प्रश्न आ सकते, ये अनुमान है। तो हम लोग अब दक्षिण भारत को देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं यह है दक्षिण भारत, यह है दक्षिण भारत, यह है साउथ इंडिया, यह है साउथ, यह है साउथ। साउथ इंडिया में जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं वो चालुक्य को देखते हैं। हम लोग ये चालुक्य वंश को देखते हैं, ये चालुक्य वंश देखते हैं। पुनः फिर हम लोग चोल वंश देखते हैं, पुनः हम लोग चोल वंश देखते हैं, चोल वंश देखते हैं, और फिर हम लोग राष्ट्रकूट वंश देख लें, राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट वंश देख लेते हैं, और फिर हम लोग पल्लव वंश देखते हैं, पल्लव वंश देखते हैं, पल्लव वंश देखते हैं, और लास्ट में कह दो आप संगम देख लीजिए तो बेहतर है। तो हम लोग थोड़ा संगम काल भी देख लेते हैं, ये संगम काल देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो एंशियंट इंडिया है यानी प्राचीन भारत है उसका सिलेबस है। यहाँ तक यदि तैयारी कर लिया जाए, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, वन हु आर एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आइदर यूपीएससी और बीपीएससी और लोअर ग्रेड एग्जामिनेशन, आपको जरूर लाभ मिले, आप इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि हम इनमें उन सारी बातों को कहने जा रहा हूँ जो कि जीरो से लेकर टॉप तक है। यानी इनको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि भाई ये कहा जाए कि फर्श से लेकर अर्श तक की ये बात कही जा रही है। आप केवल इसको समझिए और पहले मैंने जो सिलेबस लिखा है आप उसके अनुसार अपने आप को तैयार करें। और ये सिलेबस मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, यदि कोई हेजिटेशन हो, इफ देयर इज सम डिफिकल्टीज बिफोर यू, यू कैन सी। Yes, right? Okay. Thank you.